चलो बच्चा, अभी हम जो सम स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रूडेंट वाला सम है, जिसमें बोला हुआ है कि स्ट्रेट लाइन पे जब ये लाइन स्ट्रेट है वो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, हमें स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल दिया है, जितनी जितनी इंफॉर्मेशन है बच्चा, उसका टोटल कितना होगा, 180 होगा। तो बस यही लॉजिक को अप्लाई करते हुए हम सम को आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सम में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर y इज इक्वल टू 20 डिग्री, देन प्रूव दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चा आप बोलोगे सर इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट ध्यान में रखना है, यहाँ पे AOB स्ट्रेट लाइन है, लेकिन बच्चा यहाँ पे देखो x के फॉर्म में भी दिया हुआ है, वाई के फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना तो पता है कि सारे एंगलों का टोटल कितना होगा, 360। कौन सा लॉजिक है, कंप्लीट एंगल। तो बच्चा वही लॉजिक को अप्लाई करते हुए स्टार्ट करते हैं सम में। यहाँ पे सिंपल बच्चा अभी ऐसे ही लिखेंगे x प्लस वाई, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं दी हुई है, आप एंगल के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो y प्लस फाइव, बाद में आप बोलोगे प्लस 3x, प्लस आप बोलोगे माइनस 15, प्लस सर है y प्लस x प्लस 4y प्लस 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 360, लिखेंगे कंप्लीट एंगल। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आप बोलोगे y, दूसरा y, तीसरा और चौथा। तो आप बोलोगे y प्लस y 2y, 2y प्लस 4y, तो आप बोलोगे सर 6y, 6y प्लस 2y, तो हो जाएगा 8y। यहां तक क्लियर। इसके बाद 5 माइनस 15, आप बोलोगे सर यहां पे प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चा ये दोनों कट हो जाएंगे, ये 10 है ये होगा, ये प्लस 10 प्लस 5 तो 15, और माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो ये सारे कट हो जाएंगे। 3 की बात करते हैं तो 3x प्लस x 4x, 4x के बाद आप बोलोगे सर यहीं कहीं है ही नहीं, तो आप बोलोगे सर टोटल 4x है, कितने हैं 4x। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अभी आप बोलोगे सर हम रुको, यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू 20, तो हम यहाँ लिखेंगे 4x 8 और y की जगह 20 लिख देंगे, और यहाँ पे 360। 4x इज इक्वल यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पे आप बोलोगे 160 इज इक्वल टू 360, 4x is equal to 360 minus 160, 4x is equal to, आप बोलोगे 0, 0 और ये 2, तो ये 200 आ जाएगा। जैसे 200 आ जाता है बच्चा, आप बोलोगे x is equal to 200 divided by 4, करोगे तो सिंपल बात है यहाँ पे कितना होगा, 2 से करोगे तो ये 100 और 2 से करोगे तो 50, x is equal to 50 degree आ गया। जैसे 50 डिग्री आ जाता है बच्चा, अब ये हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, तो ये वाली हम लाइन लेते हैं, ये तीनों एंगल ऊपर के, आप बोलोगे कौन से तीन, तो ये वाला पहला y प्लस 5, दूसरा है 3x प्लस 15, यहाँ बोलोगे माइनस 15 है, और यहाँ पे प्लस y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो वो हम अभी नहीं लिख रहे, आंसर क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो आप बोलोगे सर देखो y की वैल्यू तो हमें पता है 20, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, और ये x की वैल्यू है 50, माइनस 15 प्लस 20, आप बोलोगे सर ये 25, ये 150, ये दोनों को प्लस माइनस करोगे तो 5, आप बोलोगे सर इसको 30 हो जाएगा, प्लस 150 इज इक्वल टू 180, तो हम बोल सकते हैं बच्चा टोटल 180 आ गया। टोटल 180 आ गया जब स्ट्रेट लाइन पे, तो आपको वो ध्यान रखना है, यहाँ पॉइंट लिखेंगे इफ सम ऑफ द एंगल ऑन द लाइन इज 180 देन लाइन मस्ट बी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, हैंस प्रूव आप लिख सकते हो कि जब सारे एंगल का टोटल जो होता है लाइन पे आने वाले एंगल का टोटल 180 होता है, तो वो लाइन स्ट्रेट लाइन होगी। इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं ये प्रूव दैट वाला सम खत्म।
पहले हमने क्या किया, वाई फाइंड आउट किया, वाई दिया हुआ है तो एक्स फाइंड आउट दिया, एक्स फाइंड आउट करने के बाद आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन का कोई भी एक साइड ले लो, ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो, हमने जो पोर्शन लिया वो ऊपर वाला लिया, टोटल किया 180 आया, तो हमने बोला ये लाइन है वो लाइन स्ट्रेट लाइन है। इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं हमारा ये पॉइंट खत्म। शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।